टीवी एक्टर पल्लवी पुरी जिनके सपोर्ट में उतरी हैं दिव्या खोसला कुमार, और उन्होंने उनकी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है कि आखिरकार किसने पल्लवी पुरी को इस केस में फंसाया है। अब हम आपको बता दें कि जो दिव्या खोसला कुमार है उन्होंने लिखा है, लेट मी इंट्रोड्यूस देम टू यू, द मैन, दिस मैन इज अनिल डोंडे एंड दिस वुमन इज एन एक्ट्रेस एकता शर्मा। अनिल डोंडे इज अ मैन हु हैज पुट द चार्जेस ऑन पल्लवी पुरी दैट ही मोलेस्टेड हिज 5-year-old डॉटर ऑन द सेट्स ऑफ दिस सीरियल बेपनाह प्यार प्रोड्यूस्ड बाय बालाजी टेलीफिल्म्स 2 years ago। उन्होंने आगे बताया कि अनिल एंड एकता हैव बीन अंडरगोइंग अ कस्टडी बैटल फॉर देयर डॉटर एंड सिंस द लास्ट 2 years द डॉटर हैज बीन विद अनिल कॉस ही हैज पुट अ चार्ज ऑन एकता शर्मा क्लेमिंग दैट सिंस शी इज एन एक्ट्रेस एंड शी टुक द डॉटर ऑन हर सेट्स वेयर द लीड एक्टर मोलेस्टेड हर, द डॉटर इज अनसेफ विद हर ओन मदर, आई फील अनिल डोंडे शुड बी गिवन द फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर दिस प्लॉट। इसी के साथ उन्होंने आगे भी कुछ रिवील किया जिसमें वो कहती है, नाउ द पुलिस अरेस्टेड पर्ल, आई वॉन्ट टू नो वाई द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट हिम इन 2019 वेन दिस केस वॉज फाइल्ड। द रीजन इज दैट द इन द एफ आई आर दैट इट वॉज मैंशन दैट द चाइल्ड वॉज मोलेस्टेड वेन शी वॉज द मदर, शी वॉज विद द मदर और पर्ल नेम वॉज नो वेयर इन द एफ आई आर। और एकता शर्मा इन हर कॉल्स विद एकता कपूर क्लियरली सेज दैट हर हजबेंड इज अ साइकॉटिक पर्सन हु इज मेंटली एंड फिजिकली अब्यूज हर, शी गॉट सेवरल प्रूफ फ्रॉम द सेम, शी क्लियर्स द केस बाय सेइंग दैट द पर्ल इज इनोसेंट एंड नथिंग लाइक दिस हैपन ऑन द सेट। तो उन्होंने ये बोला है कि पुलिस ने आखिरकार पर्ल भी पुरी को अरेस्ट किया है, लेकिन उन्होंने साल 2019 में इस बंदे को अरेस्ट क्यों नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ रीज़न ये था कि एफआईआर जब फाइल हुई थी, जब चाइल्ड का जो मोलेस्टेशन वाला जो केस था जब सामने आया था, और जब वो अपनी मदर के साथ थी। आपको ये बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि एकता शर्मा जिन्होंने एकता कपूर के साथ बातचीत ने कुछ बातों को रिवील किया, उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो हस्बैंड हैं वो साइकोटिक पर्सन हैं और मेंटली और फिजिकली अपनी ही वाइफ यानी एकता शर्मा को वो काफ़ी अब्यूज़ करते हैं और उनके पास बहुत सारे प्रूफ हैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। सो ये बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है, वो भी दिव्या खोसला कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा कुछ किया है। क्या कहना चाहते हैं आप, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।